नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के वैशाली जिला स्थित एक छोटे से गांव के रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सियासी महत्वाकांक्षा ने उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान दी है। उपेंद्र कुशवाहा राज्य से लेकर केंद्र तक अपनी सियासी सफर में कई पदों पर आसीन रहे, लेकिन कुशवाहा को मंजिल अभी भी नहीं मिली है और मंजिल की तलाश में वो लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद नज़दीक रहे, प्रधानमंत्री मोदी के भी करीब रहे और कांग्रेस से भी उनके संबंध ठीक हैं। सियासत में मंजिल पाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार अपना रास्ता बदलते रहते हैं। कुशवाहा इस बात को खुले दिल से स्वीकार भी करते हैं। अपना सियासी सफर लोकदल से शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा अभी अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीति में आने से पहले उपेंद्र कुशवाहा शिक्षक थे और इस क्षेत्र से कुशवाहा को आज भी लगाव है। राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा किस्मत के भी धनी रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के सदस्य रह चुके हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 को एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में MA किया। 1985 में वो जंदाहा के समता कॉलेज में लेक्चरर बने। उपेंद्र कुशवाहा ने 1985 में राजनीति की शुरुआत की थी। 1988 तक कुशवाहा युवा लोकदल के राज्य महासचिव रहे। 1988 से 1993 तक वे राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत रहे। 1994 में समता पार्टी के महासचिव बनने के बाद उन्हें बिहार की राजनीति में महत्व मिलने लगा। उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव के सामाजिक सोच के प्रशंसक थे। लालू की कांग्रेस के तरफ झुकाव के वजह से उपेंद्र कुशवाहा उनसे दूर होते गए। उपेंद्र कुशवाहा के पिता का कर्पूरी ठाकुर से बड़े अच्छे संबंध थे। जब उपेंद्र कुशवाहा छोटे थे तो कर्पूरी ठाकुर उनके घर आते रहते थे। गरीबों और समाज के शोषित तथा वंचित लोगों के हितों की चर्चा हुआ करती थी। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आने का फैसला कर लिए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिस तेजी के साथ बिहार और देश की राजनीति में आगे बढ़ी, उतनी ही तेजी से नीचे भी उतरी। वर्ष 2018 में कुशवाहा जब NDA से अलग हुए तो उनकी पार्टी में भी बिखराव शुरू हुआ। जहानाबाद से रालोसपा सांसद रहे अरुण कुमार ने राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर नाम से एक अलग पार्टी का गठन कर लिया। सीतामढ़ी से सांसद रहे राम कुमार शर्मा जदयू के साथ चले गए। पार्टी के तीनों विधायकों ने भी खुद के मूल पार्टी होने का दावा करके बगावत शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने वर्ष 2013 में रालोसपा का गठन किया था। एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी NDA के साथ गठबंधन करके बिहार में 3 सीट लेने में कामयाब हो गई। मोदी लहर के वजह से 3 सीटों पर इनकी पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई। ये 3 सीट थे काराकाट, सीतामढ़ी और जहानाबाद। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एक अलग गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और इस गठबंधन के तरफ से कुशवाहा ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस गठबंधन में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी मंजिल पाने में सफल हो पाएंगे या मंजिल की तलाश आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।